एमएसपी भाव कानून लागू करने की मांग पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनूपगढ़ में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। प्रशासन के समक्ष रोष व्यक्त करते हुए एमएसपी भाव कानून लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एमएसपी भाव कानून लागू करने की मांग से किसानों ने अनूपगढ़ क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई पानी की मांग को भी जिला प्रशासन के समक्ष दोहराया। किसानों ने बताया कि अगर जिला प्रशासन किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं करवाता तो किसानों की फसलें खराब हो सकती है। किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिला प्रशासन को बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला कलेक्टर के बाहर बैरिगेड्स लगाए गए और 4 पुलिस थानों का जाब्ता भी मौजूद रहा। बाईपास पे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को वन साइड रोकना हम वो करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान कनाल में अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर हम बात करेंगे। इसी दौरान आपको भी खबर मिली होगी तो कम से कम सिंचाई महकमे का एक आदमी तो मौजूद रहता है, या आप पूछ के बता देते भी क्या हुआ। चलो आप ही बता दीजिए हमें, वो क्या कह रहे हैं पानी के लिए। पहले कोई 4 में से 2 बारी की बात हुई थी क्या? पहले बिल्कुल हुई थी, हमने बताया भी था। वो 4 में से 2 का सिस्टम आपका वो चल गया पहले, बिल्कुल ठीक है। अब उनकी जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसकी बोर्ड की बैठक के हिसाब से वो अभी 3 में से 1 ग्रुप अपना चल ही रहा है। तो पहले आपकी बात हुई थी क्या 3 में से 1 का? अभी पहले 4 में से 2 का था, फिर 3 में से 1 का। अभी उनको जो अपना जो शेयर है वो लाइनिंग का काम वहाँ पंजाब में हो रहा है, तो लाइनिंग के काम की वजह से वहाँ से जो है ना दिक्कत ये आ रही है कि वो कह रहे साहब हम उसकी एक बार उसको नहर बंदी हम देंगे। अब जो पानी असल में आप बता रहे हो ना कि सिंचाई विभाग बता रहे, हमारी टेबल टॉप करवा दो अगर इस पानी से 4 बारियां नहीं मिले, हम तो कह रहे हैं आधी बारी, वो उनको हम बताएंगे। सिर्फ आधी बारी से लाखों जनता को बचाया जा सकता है अगर इससे 4